हेलो दोस्तों, सुनीता के ख्याली पुलाव किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एकदम स्ट्रीट स्टाइल आलू चॉप की रेसिपी। इसका मसाला खा के आपको लगेगा ही नहीं कि इसे आपने घर में बनाया है। बहुत ही ज़्यादा एकदम फ्लेवरफुल मसाला रेडी करेंगे। तो आलू चॉप बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक मसाला रेडी करेंगे। तो एक मिक्सी के जार में हम 4 हरी मिर्च, 2 सूखी लाल मिर्च, 1 इंच अदरक के टुकड़े को काट के डालेंगे और 5 से 6 लहसुन की कलियाँ और 2 टेबलस्पून जितना मैंने हरा धनिया डाल के क्रश कर लिया है। बिना पानी डाले ही आपको इसे क्रश करना है, बहुत इजीली हो जाता है। मसाला हमारा रेडी है तो हम क्या करेंगे, इसको बोल में ट्रांसफ़र करके साइड में रखेंगे। उसी ब्लेंडर जार में हम 2 हरी मिर्च और 1/2 इंच मैंने अदरक का टुकड़ा को काट के लिया है, 5-6 लहसुन की कलियाँ को डाल देंगे। साथ ही 1 कप हरा धनिया डालेंगे। मेरे पास थोड़े से बारीक वाले थे तो मैंने मिला के डाला है। 2 टेबलस्पून इसमें फ्रेश दही डालेंगे, 1/2 टीस्पून भुना जीरा पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल के मैंने इसे फाइन पीस लिया है। यहाँ पे हमारी इंस्टेंट चटनी बन के रेडी है, इसको हम रखते हैं थोड़ी देर साइड में। अब हम बैटर तैयार करेंगे। तो एक बोल में हम 1.5 कप बेसन लेंगे, साथ ही टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। मैंने 1/3 टीस्पून नमक डाला है और इसमें हम 1 टेबलस्पून जितना हरा धनिया डालेंगे, 2 पिंच जितना मैंने अजवाइन डाला था और 1/4 टीस्पून हल्दी डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया था। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका सेमी थिक हमें बैटर तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा पानी, बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा तो फिर आपको और बेसन मिलाना पड़ सकता है। यहाँ पे हमारा बैटर रेडी है तो मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अभी ज़रूरत होगी तो हम बाद में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको ढक के साइड में रखेंगे जब तक हम मसाला रेडी करेंगे। अब मैंने यहाँ पे 5 बॉईल किए हुए आलू ले लिए हैं और इसको हम हाथों से ही अच्छे से मैश कर लेंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा एकदम फाइन नहीं रखना है, थोड़ा सा लम्स रहेगा ना आलू का तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आलू को भी हम साइड में रखते हैं। मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 टीस्पून जितना ऑयल लिया था, इसमें 1/4 टीस्पून राई और 1/4 टीस्पून जीरा ऐड किया है, 2 पिंच जितना मैंने हींग ऐड किया है, 2 पिंच ही हल्दी डाला है और जो हमने मसाला रेडी किया है उसे डाल के हम थोड़ा सा भून लेंगे, मतलब 1-2 मिनट मसाला को भून लेंगे। इसके बाद करी पत्ता को भी मैंने हल्का सा भून लिया था, इसमें जो मैश करके रखे थे आलू वो डाल देंगे। 1 टीस्पून या टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। 1/4 कप मैंने हरे मटर लिए जिसे मैंने बॉईल करके लिया है और साथ ही मैंने 1/3 टीस्पून ही इसमें आमचूर पाउडर डाला है, 1/2 टीस्पून से कम डाला है। इतना मसाला के लिए परफेक्ट रहेगा, लेकिन आप थोड़ा खट्टा पसंद करते हैं तो 1/2 टीस्पून भी डाल सकते हैं। अब हम आलू को अच्छे से मिक्स करते हुए 2 मिनट के लिए भून लेंगे, जैसे कि मसाला का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, कच्चा कच्चा नहीं लगेगा आलू। कढ़ाई का हैंडल बार बार टूट जा रहा था तो मैंने इसे ऐसे मोड़ लिया है कढ़ाई को। 2 चुटकी मैंने गरम मसाला पाउडर डाला था फ्लेम को ऑफ करने के बाद और साथ ही मैंने यहाँ पे 1 मुट्ठा हरा धनिया डाला है बारीक कटा हुआ। और अब हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मसाला बन के रेडी है। आप चाहे तो इस मुँह में डाल के दे सकते हैं, नमक वगैरह कम हो तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। जब तक मसाला थोड़ा ठंडा हो जाए तब तक हम क्या करेंगे, कढ़ाई में ऑयल गर्म करने के लिए रख देंगे। और ये देखिए मसाला थोड़ा सा ठंडा हो गया, अच्छे से ठंडा होने दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके बॉल्स बनाएंगे। तो एक नींबू के साइज़ का हम बॉल बना लेंगे। ये देखिए जितना बड़ा या छोटा आपको बनाना है उस हिसाब से आप बना सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आलू मसाला जो है वो हाथ में चिपक नहीं रहा है, मतलब कि आलू में मॉइस्चर भी नहीं होना चाहिए और एकदम फाइन भी नहीं करना है, तभी ऐसा होगा। नहीं तो क्या होगा कि आलू का मसाला जो है चिपकने लगेगा हाथों में। छोटे छोटे जो आलू के लम्स है वो रहने चाहिए आलू के मसाले में, तभी आलू चॉप का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे हमारे 2 राउंड वाले बॉल बन के रेडी है। ये देखिए आप चाहे तो इसको टिक्की का भी शेप दे सकते हैं। एक पोर्शन लेंगे हम नींबू के साइज़ का और इसे ऐसे दबाते हुए इकट्ठा करेंगे और इसको हल्का सा ऐसे हथेली के बीच में ले जा के चपटा करेंगे और ऐसे साइड से इवन कर लेंगे, राउंड शेप दे देंगे। मतलब जैसे हम टिक्की बनाते हैं वैसे ही करना है। ये भी बहुत अच्छे लगते हैं, स्ट्रीट वाले ज़्यादातर ऐसे भी बनाते हैं। ये देखिए मैंने मसाला में हरे मटर का यूज़ किया है, आप चाहे तो मूंगफली भी डाल सकते हैं या सिंपली आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, तब भी आलू चॉप बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से मैं इसे टिक्की का शेप दे रही हूँ। एक पोर्शन लेंगे और इसको हाथों के बीच में ऐसे चपटा करके साइड से राउंड कर लेंगे और यहाँ पर मैंने
सारे आलू के मिक्सचर को शेप दे दिया है। तो इतने मिक्सचर से मैंने 13 बॉल्स बना के रेडी कर लिए हैं। यहाँ पे मैंने कुछ राउंड बॉल्स बनाए हैं और चपटे, यहाँ पे रेडी है ये। तो हम चलते हैं बैटर की तरफ। तो बैटर थोड़ा सा थिक लग रहा है मुझे, ये देखिए रेस्ट होने के बाद। तो एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून जितना पानी ऐड करेंगे, और जो हमने ऑयल को गर्म करने के लिए रखा था उसमें से हम 1 चम्मच मतलब 1 टेबलस्पून के आसपास गर्म ऑयल डालेंगे इसमें। तो इससे क्या होगा, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है आलू चॉप का, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 1 मिनट के लिए मैंने बैटर को ऑयल के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पे हमारा बैटर एकदम परफेक्ट है। बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा तो हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे मैंने खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा ले लिया है, इसे बस हम 1 चुटकी डालेंगे। जितना मैंने डाला है इतने बैटर के लिए उतना ही ऐड कीजिएगा। बहुत ज़्यादा डालेंगे तो बहुत बड़े बड़े आलू चॉप बन जाएंगे और उसका टेस्ट एकदम अच्छा नहीं आएगा। सोडा को भी हम बैटर के साथ बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ऐसे लगातार चलाते हुए। विस्क से भी बहुत आसानी से हो जाएगा। एक ही डायरेक्शन में आप आधा मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारा बैटर रेडी है। तो मैंने बैटर में 4 बॉल डाल दिए हैं आलू के मसाला वाले। आपको जितना एक बार में फ्राई करना है उतना आप डाल के ऐसे चम्मच की मदद से हम इसे कोट करते हुए डालेंगे ऑयल में। ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए, एकदम धुआं भी नहीं निकलना चाहिए, लेकिन गरम तेल में ही हमें इसे डालना है, तभी अच्छे से आलू बड़े जो है फूलेंगे। आलू के बॉल जो है उसे हम बेसन से अच्छे से कोट कर लेंगे। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा बेसन है उसे साइड में ऐसे करते हुए डालेंगे। आगे मैं आपको इसे हाथ से भी डाल के दिखाऊंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो 4 बॉल्स लिए हैं उसे मैंने डाल दिया है एक बार में, और हम इसे थोड़ा सा फ्राई होने देंगे हल्का सा मतलब, और फ्लिप कर लेंगे। नीचे से ये बैठ के जलने लग जाता है तो हल्के हल्के हाथों से हमें इसे फ्लिप कर लेना है। अभी मैंने फ्लेम को मीडियम टू हाई में रखा है। अच्छा गर्म तेल में हम इसे अलटते पलटते हुए फ्राई करेंगे। थोड़ा फ्राई होने दीजिएगा तभी अंदर से बेसन पकेगा। इसे फ्राई होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 3 मिनट लग जाएंगे आपको इसे फ्राई करने में ऐसे अलटते पलटते हुए। और जब एकदम गोल्डन और क्रिस्प हो गए हैं देखिए इस तरीके से, तो हम इसको निकाल लेंगे। बहुत ही प्यारे दिख रहे हैं, देख के ही एकदम खाने का मन कर रहा है, इतने ज़्यादा टेस्टी है। और ये जो छोटे छोटे जो बेसन के बनते हैं वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, एकदम कुरकुरे होते हैं। यहाँ पे हमारे एक बैच रेडी है और बहुत ही प्यारे और टेस्टी बन के तैयार हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, दूसरे बैच को भी सेम प्रोसेस से फ्राई करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, स्पून की मदद से नहीं हाथों की मदद से डालेंगे। तो जो टिक्की शेप दिया था मैंने उसे बैटर में डाल दिया है और हाथों से ऐसे डालेंगे। थोड़ा ध्यान से डालिएगा क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होता है। चम्मच से होता है कि इसमें हाथ नहीं जलता है चम्मच से। और ये देखिए जितना एक बार में आ जाएंगे उतना मैं डाल देती हूँ। और ये देखिए ये भी बहुत ही प्यारे दिख रहे हैं, मैंने इसे भी सेम प्रोसेस से फ्राई कर लिया है। तो यहाँ पे हमने 2 बैच के जो आलू बड़े थे उसे फ्राई कर लिया है। मेरी कढ़ाई थोड़ी छोटी है इसीलिए मैंने इसे 3 बैच में फ्राई किया है। आपके पास बड़ी कढ़ाई है तो जल्दी हो जाएगा। हमारे यहाँ मिर्ची बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है आलू बड़ा के साथ, तो मैंने यहाँ पे 4 मिर्ची को बीच से कट करके लिया है। ऐसे डायरेक्ट मत डालिएगा नहीं तो ये बहुत ज़ोर से फूटेंगे। मिर्ची को भी हम फ्राई कर लेंगे ऐसे बेसन में डाल के। और आलू बड़ा जब भी बनाते हैं तो बैटर बच जाता है, तो आप क्या कीजिए इसमें एक आलू को पतला पतला काट के डाल के फ्राई कर लीजिए, एकदम फूले फूले बनेंगे। यहाँ पे हमारे आलू चॉप बन के रेडी है और मिर्ची भी बहुत अच्छी दिख रही है, जो हमने चटनी बनाई थी उसके साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है। और ये देखिए एकदम परफेक्ट आलू चॉप बन के रेडी हुआ है। आप इसे चटनी के साथ सर्व कीजिए या चाय के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से आलू चॉप बना के अपने परिवार के साथ एंजॉय कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई और आसान रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।